तो क्रॉकरी यूनिट को डिजाइन करते वक्त इन 8 ट्रिक्स का ध्यान रखना। तो आइए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मैं चैनल कोच पर, मैं पेंट कोच एंड इंटर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत जाऊंगा, बजट आपका, डिजाइन हमारा। तो सबसे पहले आती है ट्रिक नंबर 1, वो होता है स्टोरेज सॉल्यूशन। तो हमेशा क्रॉकरी यूनिट को डिजाइन करते वक्त 4 आइटम्स के लिए स्टोरेज जरूर बना के रखना। सबसे पहले आता है माइक्रोवेव। डाइनिंग टेबल के पास क्रॉकरी यूनिट होता है या क्रॉकरी यूनिट किचन के पास होता है। हमेशा बार बार हमें खाना गर्म करने के लिए किचन में ना जाना पड़े, इसलिए हमेशा अपने क्रॉकरी यूनिट में माइक्रोवेव की जगह जरूर बना के रखना। दूसरी जो स्पेस आती है होती है ग्लासेस एंड बोल्स, वो भी कांच के। हमेशा कम से कम अपनी क्रॉकरी यूनिट में मिनिमम 3 ऐसी शेल्व्स रखना जहां पे ग्लासेस का रखना बहुत जरूरी है। और इन 3 शेल्व्स में सिर्फ 1 आइटम जोड़ने से आपकी क्रॉकरी यूनिट लगेगी पूरी 1 करोड़ की क्रॉकरी यूनिट। कैसे, वो मैं बताऊंगा ट्रिक नंबर 4 में। थर्ड जो स्पेस बनानी है वो है असॉर्टमेंट ड्रॉर या फिर हमारा ऑर्गेनाइजर। हमेशा क्रॉकरी यूनिट में एक ड्रॉर ऐसा होना चाहिए जहां पे आप सारी चीजों को सेग्रीगेट कर सको। इसके लिए एक छोटी सी चीज दिखा रहा हूं जिसे हम बोलते हैं एडजस्टेबल ग्रिड्स, जो आती है हेटिक कंपनी की। चौथी जो स्टोरेज आपको रखनी है वो है विस्की की, लेकिन हिडन होनी चाहिए कि अगर हमें अपनी विस्की की बॉटल्स रखनी है, वाइन की बॉटल्स रखनी है, पर क्रॉकरी यूनिट में किसी को दिखाई ना दे, तो उसकी भी स्टोरेज जरूर बनानी है। और वो कैसे बनेगी, तो एक देखते हैं लुक, क्योंकि आजकल एक ऐसा चैनल चला हुआ जिससे आपका स्लाइडर हॉरिजॉन्टल भी चल सकता है और ऊपर नीचे भी चल सकता है। ट्रिक 2, क्रॉकरी यूनिट किस मटेरियल में बननी चाहिए। हमेशा ध्यान रखना कि जो अपर कैबिनेट होता है वो हमेशा ग्लास शटर के अंदर बनना चाहिए, और जो नीचे लोअर का कैबिनेट होता है वो आप चाहे तो लकड़ी में बना सकते हो, प्लाईबोर्ड में बना सकते हो। ट्रिक नंबर 3, अपनी क्रॉकरी यूनिट में हमेशा ये 5 इलेक्ट्रिकल पॉइंट जरूर डालना। सबसे पहला हमारा माइक्रोवेव का, सेकंड हमारे पास वहां पे एक स्विच होना चाहिए जो होगी इंटरनल लाइटिंग का, जिससे हम अपनी क्रॉकरी यूनिट के अंदर लाइट डाल सके। तीसरा, 2 सॉकेट हमेशा मोबाइल चार्जिंग के होने चाहिए, क्योंकि अक्सर जब हम फैमिली के साथ डिनर कर रहे होते हैं या गेस्ट के साथ अगर डिनर कर रहे होते हैं तो वहां पे कम से कम 2 लोगों का मोबाइल हमेशा चार्जिंग पे लगता ही लगता है। तो हमेशा 2 सॉकेट मोबाइल चार्जिंग के लिए जरूर रखना। अब आती है ट्रिक नंबर 4, आपको हमेशा क्रॉकरी यूनिट में ये 5 टाइप की लाइट्स डालनी है। सबसे पहले आती है प्रोफाइल लाइट। अब आप कहेंगे यार मनीष इसमें नया क्या, प्रोफाइल लाइट हमेशा अक्सर लोग गलत लगाते हैं, वो अपर कैबिनेट के नीचे प्रोफाइल लाइट को सीधा लगा देते हैं, जबकि प्रोफाइल लाइट को हमेशा आपको लगाना होता है 45 डिग्री एंगल पे। इससे फायदा क्या होगा, जो आपकी क्रॉकरी यूनिट का प्लेटफॉर्म है जब उसे 45 डिग्री की लाइट पड़ेगी तो वो पूरा प्लेटफॉर्म एकदम लिटअप हो जाएगा और आपके प्लेटफॉर्म पर रखी हुई एक एक चीज हाईलाइट होगी। सेकंड जो ट्रिक आती है वो होती है नियॉन लाइट, जो आपको डालनी है ग्लास शेल्फ के पीछे। समझ नहीं आएगा, फोटो दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप सुन लो। बेसिकली अगर हम फिजिक्स को ध्यान में रखते हुए जब लाइट को ग्लास पे डालते हैं तो लाइट जो ट्रेवल करती है, अगर हम लाइट को 90 डिग्री पे डालेंगे तो लाइट जो सामने है वो ग्लास के बॉर्डर पे फैल जाती है। और ये जो डिजाइन है ये इत्तफाक से हमने सिर्फ कंसिडर किया और इसको हमने अपनी एक साइट पे डाल भी दिया जहां पे लुक आया कुछ ऐसा। थर्ड ट्रिक जो आती है वो होती है वर्टिकल प्रोफाइल लाइट। तो वर्टिकल प्रोफाइल लाइट से क्या होगा, अगर जो आपका ग्लास ऐसे है तो सारी लाइटें यहां से ट्रांसपेरेंट इक्वली पूरे ग्लास में डिस्ट्रीब्यूट जाएगी, जिससे आपके ग्लासेस पूरे वेल लिट अप हो जाएंगे। और जो लाइट आती है वो है सेंसर लाइट, जो मैंने आपको पहले बताया था कि इलेक्ट्रिकल सेंसर लाइट पॉइंट जरूर छोड़ना। यहां पे क्या है कि जैसे ही आपके घर में आपका गेस्ट या कोई भी ड्रॉर को खोलेगा, हो सकता है वहां पे अंधेरा हो सकता है वहां पे लाइट कम हो, लेकिन ड्रॉर के अंदर सारी चीजें दिखाई दे जाए, तो असॉर्टमेंट ड्रॉर में आपको डालनी है सेंसर लाइट कि आपने ड्रॉर खोला, ड्रॉर के अंदर जल गई लाइट और वहां पे भी हो गई ब्यूटीफिकेशन। अब आती है ट्रिक 5 कि कैसे आप अपने क्रॉकरी यूनिट को 3 अमेजिंग तरीके से यूज कर सकते हो। सबसे पहले आता है ब्रेकफास्ट काउंटर, कि आप अपनी क्रॉकरी यूनिट में एक ऐसा ड्रॉअर डाल सकते हो जिसे हमने खोला, खोलने के बाद वो ड्रॉअर बन गया आपका ब्रेकफास्ट काउंटर।
सेकंड जो ट्रिक है वो आप अपनी क्रॉकनीनिट को एज अ पार्टीशन यूज कर सकते हो, जिसमें से कुछ शेल्व्स में ग्लासेस होंगे, कुछ शेल्व्स ओपन होगी, कुछ शेल्व्स में मिरर लगा रहेगा, जिसकी वजह से आपकी क्रॉकनीनिट एक पार्टीशन का तो काम करेगी करेगी, साथ के साथ क्रॉकनीनिट का भी पूरा काम कर देगी। तीसरे जो ट्रिक है कि आप अपनी क्रॉकनीनिट को डबल साइडेड क्रॉकनीनिट का यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करो आपका इधर किचन है और इधर आपका डाइनिंग एरिया है जहाँ पे आपको प्रिवेसी मेंटेन करनी है, तो आपको करना क्या है, इस तरफ से भी शेल्फ डाल देनी है और इस तरफ से भी शेल्फ डालनी है। करीब करीब 1.5 से 2 फुट की आपकी क्रॉकनेट की जो विड्थ है वो बन जाएगी, लेकिन अब आपकी क्रॉकनेट किचन के अंदर स्टोरेज का काम करेगी। इस तरफ से आप एंट्री बना सकते हैं और दूसरी तरफ से आप उसको ओपन शेल्स या ग्लास की तरह क्रॉकनेट में डाल सकते हैं। अब आती है ट्रिक 6, वॉश बेसिन। मतलब कि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घर में जब खाना हम खा लेते हैं तो हाथ धोने के लिए प्रॉपर वॉश बेसिन का एरिया नहीं होता, या हमें वॉशरूम में जाना पड़ता है या हमें किचन में जाना पड़ता है हाथ धोने के लिए, और अगर हम अलग से कहीं वॉश बेसिन डालते हैं तो वो बहुत ही ऑड लगता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको अपनी क्रॉकरी यूनिट के अंदर वॉश बेसिन डाल देना है। बाकी यार मनीष, क्रॉकरी यूनिट में वॉश बेसिन बहुत अजीब सा नहीं लगेगा अलग से? नहीं लगेगा, जरा ये क्लिप देखो। अब यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे आपको अपना जो कंसोल बनाओगे, क्रॉकनेट बनाओगे, उस लकड़ी के ऊपर पत्थर रखने से पहले आपको वहां पे अपना सिंक रखना है, उसके बाद उस पर पत्थर रखना है और सिंक के साइज का पत्थर वहां पे आपको डाल देना है, लेकिन बड़ा टुकड़ा काटना जिससे उसके नीचे लकड़ी का बेस बन के स्लाइडर बन सके। तो एक छोटी सी ट्रिक है, आई होप आपका कारपेंटर स्किल्ड हो या आपका डिजाइनर स्किल्ड हो। अब जो ट्रिक 7 आती है वो होती है डिजाइन की। अगर आप अपनी क्रॉकरी यूनिट को डिजाइन करने जा रहे हो तो उसके पीछे ट्रिक क्या है। क्रॉकरी यूनिट को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, एक होता है अपर कैबिनेट, एक होता है लोअर कैबिनेट और बीच में होता है बैकस्प्लैश। ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे हमारी किचन होती है। अब इसके डिजाइन करने के लिए, अगेन अगर आप मेरे फॉलोअर्स हो या सब्सक्राइबर हो रेगुलर, तो मैंने वहां पे ट्रिक बताई हुई है, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में रखूंगा। अगर आपको अपनी क्रॉकरी यूनिट में चाहिए कंटेम्प्रेरी लुक, मतलब कि कोई देखे और देखते उसका फैन हो जाए, तो आपको करना क्या है, अपने अपर कैबिनेट को आपको रखना है ब्लैक टेंटेड ग्लास में। यहाँ पे फ्लूटेड ग्लास मत डालना, क्योंकि हमने ग्लास की शेल्फ डाली है, अंदर बढ़िया बढ़िया हमने कांच के ग्लासेस रखे हैं, तो उनकी लुक आनी चाहिए। फ्लूटेड मत डालना, ब्लैक टेंटेड डालना। लोअर कैबिनेट में आप मैट फिनिश की लेमिनेट डालना, अगेन थोड़े से डार्क कलर की कॉन्ट्रास्ट आप अपने आप बना लेना, नहीं तो हमें फोन कर लेना, हम कंसल्टेंसी के थ्रू आपको ये सारी चीजें बता देंगे। अब जो सेकंड थीम आती है वो होती है लग्जरी क्रॉकरी यूनिट की। अगर आपको अपनी जो क्रॉकरी यूनिट है वो लग्जरी चाहिए, आपको हमेशा जो फैमिली चूज करनी है वो करनी है तो ग्रे की या बेज, क्योंकि लग्जरी के यही दो कलर्स हैं, ग्रे एंड बेज। अब इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधा लोअर कैबिनेट बेज कलर का, पीछे जो बैक स्प्लैश है वो बेज, प्लेटफॉर्म आप व्हाइट रख लो, क्वार्ट्ज में क्रीम जो आपको मन करे वो रख लो, लेकिन जो ऊपर शटर है अगेन वो होंगे ग्लास के, लेकिन उन शटर का जो बॉर्डर है एल्यूमिनियम का वो होगा रोज गोल्ड फिनिश में, दैट्स राइट, या फिर कोई और फिनिश ले सकते हो, लेकिन लग्जरी और प्रीमियम कोटिंग होनी चाहिए। थर्ड जो थीम आती है वो होती है मिनिमल। तो इसमें आपको क्या करने हैं, बिल्कुल लाइट, कोई भी कलर चुनो, उसका लाइटेस्ट शेड चुनो। तो देखते हैं जरा मिनिमल क्रॉकरी यूनिट्स की कुछ फोटोज। अब आता है इंडियन ट्रेडिशनल लुक, मतलब कि आपको यार इंडियन फील भी चाहिए लेकिन लग्जरी फील भी चाहिए। तो यहाँ पे आपको 2 कलर का यूज करना है, वो है व्हाइट एंड वुड। इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक नहीं देने वाला, सीधा आप ये कुछ फोटोज देखो जो कि डिजाइन बाय ओनली इंटीरियर कोच। अब आती है ट्रिक 8 कि क्रॉकरी तो बन गई है, लाइटिंग वाइटिंग लग गई है, बिल्कुल सेटल हो गई है, लेकिन बिना डेकोर प्रोडक्ट के आपकी जो क्रॉकरी यूनिट है वो अच्छी नहीं लगने वाली। क्रॉकरी यूनिट में कुछ आपको ऐसे डेकोर के प्रोडक्ट रखने हैं जो सुंदर तो लगेंगे लगेंगे लेकिन वास्तु को भी ठीक रखेंगे। तो देखते हैं कुछ डेकोर के प्रोडक्ट्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेट्स हिट इट। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्रोफेशनल सीरीज की वीडियो आ चुकी हैं, सारी वीडियोस जल्दी जल्दी आ रही हैं, और वेबिनार में 15 तारीख और 2 चैप्टर्स नए अपलोड होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट।